फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अभी हम ऑनलाइन क्लास करा रहे थे, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास हो नहीं पा रही है, तो हम ये रिकॉर्ड करके वीडियो डाल देंगे, आप लोग देखना। ये है ग्रुप डी का पेपर, आज की तारीख का सिर्फ फर्स्ट का, इसका एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं जो आप लोग देख लें और नोट कर लें। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है हमारी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कॉपी और कलम ले लीजिए, उसे आप लिख लीजिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबरा है। से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप 2019 कहाँ आयोजित होगा? तो फ्रेंड्स, ये हमारा आयोजित होगा फ्रांस में। कहाँ आयोजित होगा? फ्रांस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? यानी हमारे शरीर में जो रक्त पाया जाता है उसका रंग लाल क्यों हो जाता है? तो उसका रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण लाल। हीमोग्लोबिन में कौन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण हमारे रक्त का रंग होता है लाल। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक। किसने की थी फ्रेंड्स? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज हमारी की थी रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो खट्टे फलों में एसिड हमारा पाया जाता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कौन सा एसिड पाया जाता है फ्रेंड्स? सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया, जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है? तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हमारे सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, लोकसभा और राज्यसभा में कौन बड़ा है? तो सर फ्रेंड्स, हमारी होती है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, अगले एशियन गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? तो अगले एशियन गेम्स हमारे आयोजित किए जाएंगे चाइना में। अगले एशियन गेम्स चाइना में आयोजित किए जाएंगे। हौसला 2017 प्रोग्राम किस लिए तैयार किया गया? तो हौसला 2017 प्रोग्राम हमारा तैयार किया गया बच्चों के बच्चों के अधिकार के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल फिल्म 2018 का पुरस्कार किसे मिला था? ये हमारा मिला था मोम को। हमारी फिल्म है मोम। 2017 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो 2017 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था कांजुगो इसगिरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्कर अवार्ड कौन सा देश देता है? ऑस्कर अवार्ड हमारा देता है देश USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोबोट से ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो रोबोट से ट्रैफिक को करने वाला पहला भारतीय शहर है हमारा इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, टीवी के आविष्कारक कौन है? तो टीवी के आविष्कारक हमारे हैं फिलियो वर्ल्ड और चार्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, क्लोरोफार्म का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्लोरोफार्म का रासायनिक नाम है मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट आपका दिया क्वेश्चन, ध्वनि अधिकतम किसमें सुनाई देती है? तो ध्वनि हमारी अधिकतम सुनाई देती है ठोसों में। अगला क्वेश्चन है, लक्स किसकी इकाई है? तो लक्स हमारी इकाई है प्रदीप्त घनत्व।
अभी आपका क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम में पहला टेस्ट सेंचुरियन कौन है? तो भारतीय क्रिकेट टीम में पहला सेंचुरियन हमारा लाला अमरनाथ, लाला अमरनाथ। अगला क्वेश्चन आपका दिया, बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है? तो बिना एंजाइम वाला पाचक रस हमारा पित्त रस, पित्त रस। फ्रेंड्स इसमें हमारा एंजाइम नहीं पाया जाता। नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन, भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा हिंदी के बाद बोली जाने वाली भाषा हमारी बांग्ला, बांग्ला। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में कितने रेलवे जोन है? तो भारत में हमारे रेलवे जोनों की संख्या 17। फ्रेंड्स अभी तक हमने लोगों ने डिस्कस किए थे जीएस के कुछ फर्स्ट शिफ्ट के, और हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आए थे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है 2:9:3, ये आपका पूछा गया है यहाँ पर दिया है। दो का जिस प्रकार 9 से संबंध उसी प्रकार 3 का क्या होगा? ऑप्शन में आपका दिया है A 27, B 28, C 24, डी आपका दिया 26। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं 2 और 8 में क्या रिलेशन है? तो यहाँ पर रिलेशन हमारा दिख रहा है कि 2 का क्यूब हमारा होता है 8 और +1, यानी 2 का घन करने पर हमारा 8 आया और 8 में प्लस 1 किया उसका 9 है। इसी प्रकार हम 3 का करेंगे तो 3 का हमारा क्यूब होता है 3 क्यूब = 27, और 27 में प्लस 1 किया तो हमारा हो गया 28। इसका आंसर फ्रेंड्स होगा हमारा 28। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और रीजनिंग का, ये आपका दिया है एम, ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा सीरीज का ओ क्यू एस, और यहाँ पर आपका दिया क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया आगे कि आगे हमारा लेटर कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंस कितना है। तो सबसे पहले इसका कोड कर लेते हैं, इसका कोड होता है 3, इसका होता है 15, और क्यू का होता है 17, इसका होता है हमारा 19। तो यहाँ पर देखिए हमारा सभी में 2 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सभी में 2 का डिफरेंस है, प्लस 2 हो रहा है। आगे भी क्षेत्र में अगला लेटर प्राप्त हो रहा है हमारा प्लस 2 करके हो रहा है, एम 13 और 13 में 2 जोड़िए 15 पर आता है हमारा ओ। इसी प्रकार तो हमारा नेक्स्ट लेटर हो गया यहाँ पर 19 और +2, मतलब 21 + 2 = 21 और 21 पर हमारा यहाँ पर आएगा यू, हमारा नेक्स्ट लेटर क्या हो गया यू। नेक्स्ट और क्वेश्चन है इसी प्रकार रीजनिंग का ही है हमारा, बंदर होमवर्क के लिए निम्न में क्या सही है? निम्न में से क्या सही होगा? ऑप्शन में आपके लिए है यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए बंदर है, घोड़ा है और बाघ है, ये सभी अलग अलग हैं, तो इसका ये होगा फर्स्ट। आगे चलते हैं कुछ हमारे मैथ के क्वेश्चन हैं तो उनकी हम डिस्कस करते हैं। मैथ में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 2y3, 8y9, 10y27 और ये आपका 32y81 का
एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, जिसमें होता है जितने भी हमारे अंश दिए हैं, डिनोमिनेटर दिए हैं, उनका हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे, और जितने भी हमारे डिनोमिनेटर हैं उसका हम निकालेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर निकालेंगे 2.8.10.32 का एचसीएफ बटे 3.9.27.81 का एलसीएम। तो फ्रेंड्स इसका एलसीएफ हमारा आएगा 2 और इसका एलसीएम आएगा हमारा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, ये निम्न में से कौन सी संख्या घन है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, ऑप्शन आपके लिए 8000, ऑप्शन बी दिया आपका 9000, ऑप्शन सी दिया है 9361 और लास्ट आपका ऑप्शन है 9999। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 8000, ये हमारा है 20 का घन। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा मैथ का कि किसी संख्या का एक बटे पांच उसी संख्या के एक बटे सात से दस अधिक है, एक बटे सात से दस अधिक है तो संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये तो इसे कैसे करेंगे, मैंने मान ली माना संख्या x, माना संख्या हमारी क्या है x है। अब दे रहा है कि संख्या का एक बटे पाँच संख्या के एक बटे सात से दस अधिक है, यानी x का एक बटे पाँच और x के एक बटे सात से दस अधिक है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया बराबर 10। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 35 और ये 7x - 5x = 10। यहाँ पर आएगा आपका 2x = 350 और x का हमारा यहाँ पर आएगा 175। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 125000 रुपये का दस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर हमारा दिया मूलधन 125000 और दर हमारी दी है 10% वार्षिक समय हमारा दिया है 2 वर्ष।
ठीक है फ्रेंड्स, वो हम हल करते हैं। तो इसका सूत्र होता है ए बराबर पी इंटू वन प्लस आर बटे सौ पावर आपका टी। तो यहाँ पर ए हमारा होता है मिश्रण, पी आपका होता है मूलधन, आर दर होती है, टी हमारा होता है समय। देखिए यहाँ से ए बराबर पी हमारा मूलधन दिया है 125,000 इंटू वन प्लस दर हमारी दी 10%, 10/100। समय हमारा दिया 2 वर्ष। तो इसको हल करेंगे तो ए बराबर 125,000 इंटू इसे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा सेकंड दस यानी 11/10 पावर 2। ए बराबर 125,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10। इसे देखिए फ्रेंड्स से ये काट दिया से ये आगे चलते हैं 1250 इंटू 11 इंटू 11 हो जाएगा 121। तो इसका गुणा करेंगे फ्रेंड, तो गुणा करके देखते हैं 1250 1 2 5 0 1 2 5 0 5 2 11 2 4 5 और 1 हो जाएगा 1 5 1 2 5 0। फ्रेंड्स ये हमारा है मिश्रण। अब इसमें से हम माइनस करेंगे मूलधन, तब हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन हमारा दिया है 1,51,250। इसमें से माइनस करेंगे 1,25,000, हमारा आंसर आएगा 0 5 2 4 6 3, हमारा हो गया 36,250 रुपये।